हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल SS Lab TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। जी हां दोस्तों, चार कारण क्यों रोमन रेंज और सैमी जेन को WWE स्मैकडाउन में जॉन सिना और केविन ओवेंस को हराना चाहिए। रोमन रेंज एंड सैमी जेन WWE स्मैकडाउन का 30 दिसंबर 2022 भारत में 31 दिसंबर का एपिसोड काफ़ी खास रहने वाला है। ये WWE के लिए साल का आखिरी शो है और इसी वजह से वो इसे यादगार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस शो में जॉन सिना और केविन ओवेंस टीम बनाकर रोमन रेंज और सैमी जेन का सामना करेंगे। इस मैच के दोनों ही टीमें मजबूत हैं, ऐसे में नतीजा किसी भी ओर जा सकता है। कुछ कारणों से लगता है कि रोमन और सैमी को जीतना चाहिए, इसलिए इस आर्टिकल में हम चार कारणों को लेकर बात करेंगे जिनसे लगता है कि रोमन रेंज और सैमी जेन को जॉन सिना और केविन ओवेंस को हरा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नंबर चार, सैमी जेन को फैक्शन में बनाए रखने के लिए। सैमी जेन को भले ही ब्लडलाइन की कमजोर कड़ी माना जाता है, लेकिन उनकी वजह से फैक्शन हमेशा चर्चा का विषय रहता है। जेन ने अपने कैरेक्टर वर्क से दम पर समोन फैक्शन को शानदार बनाया है। साथ ही सैमी ने लगातार ग्रुप के लिए अपनी वफादारी को साबित किया है, ऐसे में उन्हें ब्लडलाइन में बने रहना चाहिए। सैमी जेन और रोमन रेंज को यह टैग टीम मैच जीतना चाहिए, इससे रोमन का सैमी पर भरोसा बना रहेगा और वो फैक्शन से बाहर नहीं होंगे। सैमी जेन और ब्लडलाइन की स्टोरीलाइन एंगल को जल्दी खत्म करना काफ़ी बड़ी गलती होगी। नंबर तीन, सैमी जेन और केविन ओवेंस की दुश्मनी को बढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सैमी जेन ने केविन ओवेंस पर सर्वाइवर सीरीज बारगेम में हमला करके सभी को चौंका दिया था। यह ओवेंस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज रहा था। इसी वजह से केविन ओवेंस ने बाद में बताया कि अब वो कभी भी सैमी जेन के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। इवेंट के बाद अभी तक ओवेंस को बदला लेने का चांस नहीं मिला है, इसी वजह से सैमी जेन को अगर एक बार फिर से ओवेंस पर जीत मिल जाती है तो फिर स्टोरी लाइन रोचक हो जाएगी। ओवेंस के मन में सैमी के लिए गुस्सा बढ़ जाएगा और फिर वो उनसे बदला लेने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। ऐसे में रॉयल रंबल या एलिमिनेशन चैम्बर में दोनों का सिंगल्स मैच हो सकता है। नंबर दो, WWE दिग्गज जॉन सिना को हार के साथ कुछ महीनों तक ब्रेक पर भेजना। जी हाँ दोस्तों, जॉन सिना अब WWE में लगातार नज़र नहीं आते हैं और फैंस उन्हें बहुत कम मिस करते हैं। सिना एक एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, इसी वजह से वो एक्शन से दूर रहते हैं। आपको बता दें कि जॉन सिना 1.5 साल बाद अब रिंग में वापसी करने वाले हैं। इस मैच के बाद भी शायद वो एक्शन से दूर हो सकते हैं, ऐसे में WWE स्टोरीलाइन एंगल के साथ उन्हें ब्रेक पर कुछ समय के लिए भेज सकता है। अगर जॉन की जीत होगी और फिर वो ब्रेक पर जाएंगे तो यह अजीब चीज़ रहेगी। ऐसे में ब्लडलाइन को सिना और ओवेंस पर जीत दर्ज करते हुए उन्हें ब्रेक पर भेजना चाहिए। नंबर एक, ब्लडलाइन का दबदबा बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, द ब्लडलाइन को इस समय WWE का सबसे अच्छा फैक्शन माना जाता है। कोई भी उनके लेवल पर नहीं है और इसी वजह से उन्हें हर जगह अपना डोमिनेशन दिखाना पड़ता है। सैमी जेन और रोमन रेंज काफ़ी टैलेंटेड हैं और ये उनके बीच प्रोमो सेगमेंट के दौरान अच्छी केमिस्ट्री दिखती है। रोमन रेंज और सैमी जेन की हार से ब्लडलाइन का कद गिर जाएगा, साथ ही ट्रैवल चीफ का बतौर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन कद भी थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे में ब्लडलाइन को जीतने के लिए बुक करना चाहिए, इससे ब्लडलाइन का टॉप फैक्शन के रूप में कद बड़ा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SS Lab TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।